नमस्कार, मैं संदीप कुंडी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल द्वारा थाना हाथरस जंक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम थाना हाथरस जंक्शन पर सलामी में लगी गार्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क व कोविड 19 हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया तथा महिला हेल्प डेस्क पर बने रजिस्टर का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कंप्यूटर कक्ष की चेकिंग के दौरान कंप्यूटर उपकरणों के उचित रखरखाव हेतु तथा कंप्यूटर पर केस डायरी तथा प्रहरी ऐप में फीडिंग एवं CCTNS संबंधी समस्त फार्म समय से फीड करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। थाने पर लगे CCTV कैमरों को चेक किया गया तथा कैमरों की दिशा व दशा सही रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाने पर उपस्थित कर्मचारी गणों की समस्याओं को सुना गया तथा उनके द्वारा जो समस्याएं बताई गईं उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम चौकीदारों से उनके क्षेत्रों में अपराध से संबंधित जानकारी ली गई एवं कहा गया कि चौकीदार पुलिस के आँख और कान हैं। गाँव की हर छोटी व बड़ी समस्या एवं अप्रिय घटनाओं एवं आगामी पंचायती चुनाव के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों एवं पूर्व में अराजकता फैलाने वाले अपराधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें तथा समय से उनके कृत्यों के बारे में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित आरक्षी गणों से उनकी बीट बुक को चेक किया गया तथा उनसे क्षेत्र के लाइसेंस धारक हिस्ट्री शीटर संभ्रांत व्यक्तियों के बारे में जानकारी की गई तथा आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया। लावारिस वाहनों का जल्द से जल्द निस्तारित कराने हेतु एवं साफ सफाई के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। समस्त पुलिस कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक भ्रमण करने हेतु एवं जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखने हेतु निर्देशित किया। उक्त निरीक्षण के दौरान CEO सुरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक राजीव यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक आदेश कुमार सहित समस्त चौकी इंचार्ज व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।